जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई पढ़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं? इस कारणवश हृदय में दुख और असंतोष रहता है सदा। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संजोग से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में, या आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका, जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है हृदय में, वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। स्वयं विचार कीजिए। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं, ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का। तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए।